दोस्तों, आप में से अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और उसका इलाज भी करा रहे हो, दवाई भी खा रहे हो और परेशान हो, या फिर अगर जैसे सांस फूलता है यहाँ से या हल्की फुल्की ब्लॉकेज है आपको किसी को, तो उसके लिए मैं एक कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ और कुछ ऐसी अपने घर का, समझ गए, मेरे अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ, ठीक है। मेरे हस्बैंड को 2-3 साल हो गए, उन्होंने बहुत पहले 4-5 साल पहले जो ना सिगरेट बहुत पी ली थी, यानी कि कुछ ऐसी टेंशन सी हो गई थी, कुछ ऐसे ही, मतलब समझ गए, कुछ हो गई है, ठीक है। हर किसी को होती है, मुझे उनसे 4 गुना होती, ठीक है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत या फिर हार्ट की जो हल्की फुल्की ब्लॉकेज होती है या सांस फूलता है जैसे, ठीक है, इन चीज़ों के लिए मैं आपको अपने, मैंने बता दिया, अपने हस्बैंड का, अपने घर का एक्सपीरियंस बताऊंगी, जिससे आप भी खुद को, मेरे हस्बैंड ने खुद को 80% ठीक, 70% ठीक कर लिया है, कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, जब उन्हें 3 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो ने क्या कहा, मैं जैसे उन्होंने दिखाने गए डॉक्टर पे, तो दोस्तों डॉक्टर एकदम से ही ये बोल देते हैं कि भाई फटाफट एकदम से इसका ऑपरेशन करवाओ, फटाफट इसमें स्टेंट डलवाओ, है ना। मेरे हस्बैंड का ऐसा कहता था कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, इनका फटाफट वो स्टेंट डलवाओ, ठीक है, पाइप डलवाओ। यानी कि उनको तीनों पाइप, जो 3 पाइप होते हैं, तीनों पाइप इतने ब्लॉक थे, 90% ब्लॉकेज थी, ठीक है, और अभी भी मेरे ख्याल में 70% ब्लॉकेज है, ठीक है। मगर दोस्तों 3 साल से वो मतलब कि पता नहीं डर लगता है क्या है, किस वजह से भाई, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं कि कहना नहीं मानते किसी के भी, ठीक है, जो उनका दिल करता है वो करते हैं, ठीक है। उन्होंने ना किसी का कहना मानते घर को का, ना कुछ कुछ भी नहीं, ठीक है। वो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं डलवाना, अगर उन्होंने ऐसे, जैसे कई प्रॉपर्टी डीलर का काम है, उनके लोगों के पास बैठते हैं, तो 10 लोगों की 10 सलाह होती हैं, और जना कहाँ कहाँ से दुनिया भर का उनको देसी दवाइयों का ये और वो और ये सब कुछ इतना पता है कि अगर एक रसोई में, हमारी आधी रसोई ऐसी उनकी देसी दवाई, देसी दवाई मतलब जैसे कि कलौंजी है, मेथी है, और दुनिया भर के देसी वो होते हैं ड्रिंक, देसी ड्रिंक मतलब जैसे कि आंवले का जूस है ना, नींबू का जूस और ये और वो, दुनिया भर का जैतून का जूस है ना, दुनिया भर के वो ऐसे जो देसी वो होते हैं दवाई, वो भरी पड़ी रसोई वो से। यानी कि दोस्तों उनको बीपी भी है, तो बीपी की तो गोली खाते हैं, हार्ट की भी खाते हैं, दवाई खाते हैं, समझ गए। मगर जिसका 90% ब्लॉकेज हो, वो मिनट में, डॉक्टर कहता है कि भाई मिनट में कुछ भी हो सकता है, आ जाओ ऑपरेशन करा लो, ठीक है। मगर दोस्तों वो 3 साल से ऐसे ही निकाल रहे हैं, यानी कि वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक तो मैं वो ऐसी सब्जी, हमारे घर में 2 सब्जी बनती हैं, ठीक है, उनकी सब्जी वो ऐसे बनवाते हैं कि तोरी, घिया, करेला, भिंडी और बैंगन, आलू, टमाटर और वो मशरूम, ठीक है, और भी जितनी भी सब्जी है सारी एक साथ काट के, ठीक है, एक साथ काट के सारी। तो दोस्तों यानी कि वो इतनी सारी की सारी सब्जी काट के और एक साथ उसमें मैं मतलब हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलवाते हैं, लहसुन ज़्यादा डलवाते हैं और जीरा ज़्यादा डलवाते हैं और कलौंजी डलवाते हैं और दही भी उसमें डाल देते हैं और आमले भी उसमें डाल देते हैं, समझ गए, 2-3 आमले भी उसमें काट कर डाल देते हैं और पानी डाल देती हूँ और कुछ बिल्कुल भी ऑयल, तेल, कुछ किसी चीज़ का कुछ नहीं डालते। बाई चांस अभी थोड़ा सा डालने लगी हूँ, मतलब दो साल से तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं डालना उसमें, बस पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ी बहुत मिर्ची डाल दी और उसको बस पकने रहने दिया, यानी कि ऐसे उबली भी बॉयल करी हुई। और ज़्यादातर दोस्तों घिया ज़रूर होता है उसमें, सीताफल, घिया, तोरी, टिंडे, ये सारी की सारी सब्जी एक साथ मिक्स करके उबली हुई, बॉयल करी हुई, हल्दी ज़्यादा, ये मैंने बता दिया, ये सब्जी खाते हैं वो, ठीक है, और हल्दी का ही दूध पीते हैं वो, और सुबह को भी वो हल्दी पानी में डाल के पीते हैं, नींबू हल्दी, ठीक है। उसकी ड्रिंक मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है, जो और कौन कौन सी ड्रिंक पीते हैं, बनाते हैं, करते हैं, मैं किसी को की सारा कुछ बताऊंगी, एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। वो हार्ट की दिक्कत के लिए क्या क्या करते हैं ये मैं आपसे बता रही हूँ, और 3 साल अभी तक तो निकाल दिए हैं, ठीक है। तो मानते किसी का कहना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी, किसी आज तक कोई इतनी सी बात ना मानी उन्होंने ज़िंदगी में, इतनी बात नहीं मानते घर के मामले, किसी भी मामले में, ठीक है भाई, जैसे भी खुश हैं, जो भी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चों ने इतनी कोशिश करके देख ली भाई स्टेंट डलवा लो, क्योंकि उन्हें भी और मुझे भी कई लोगों ने, मेरी कई फ्रेंड है ना, ये बोल दिया कि, और उन्हें भी कई लोगों ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि अगर आप स्टेंट डलवा लोगे, पाइप डलवा लोगे, तो उसके बाद आपको इससे 4 गुना ज़्यादा आपको परहेज करना पड़ेगा, और ये सही बात है दोस्तों।
जिन जिन लोगों ने डलवाई है ना दोस्तों, वो भी बताते हैं कि उससे चार गुना ज़्यादा परहेज करना पड़ता है अन्नी, फिर वो एक साल के बाद या दो साल के बाद ही वो फिर ब्लॉकेज हो जाती है, वो वाला पाइप फिर ब्लॉक हो जाता है, समझ गए, फिर वो निकलवा के चेंज करवाना पड़ता है अन्नी, ऐसे करना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सक्सेसफुल रह भी सकता है, सक्सेस नहीं भी रह सकता है। स्टंट डलवाना, पाइप डलवाने मतलब कि कामयाब भी रह हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, ऐसा होता है, मतलब कि 10% ऐसा होता है, समझ गए। तो वो दिमाग में उनके आ गए, तो इसलिए वो डलवाते नहीं है, करवा नहीं रहे। वो ऐसे ही घर का इलाज क्या क्या करते हैं, कैसे, मैंने बता दिया। सब्जी का तो खाने पीने का बता दिया आपको मैंने कि, और रोटी कम खाते हैं और फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं और जैसे दूध लस्सी ये सब कुछ फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और वो उन्होंने जो टाइमिंग, चाहे कोई आया हो गया हो, आंधी हो बारिश हो कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, ठीक है, कहीं भी, उन्होंने वही सुबह 7, 6:30, 7 बजे उठ जाना और रात को 11 बजे बिल्कुल लाइट वाइट बंद करके सो जाना। चाहे बाकी घर के बंदे चाहे जो मर्जी कुछ कर रहे हों, सो रहे हों ना सो रहे हों, खा रहे हैं, फिर कोई मेहमान आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो, पर उनका वो टाइम उन्होंने ऐसे बना रखा। सुबह वो वॉक करते हैं, ठीक है, और अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी वरी आके, और मतलब ऐसे उन्होंने अपना एक तो रूटीन ऐसे बनाई, ठीक है। तो जो भी ऐसे मेरे चैनल पे हैं, अगर मेरी बातें कुछ लोगों को क्या पता है नहीं भाई, ऐसे मतलब मैं कह रही हूँ करके देख सकते हो, मैंने पूरा एग्जैक्टली सारा वैसे को वैसा बताया, अपने हस्बैंड का पूरा एक्सपीरियंस ऐसा, ठीक है, कि वो ऐसे करते हैं, उनको ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड थोड़े से मेरे से 15-17 साल बड़े हैं, तो थोड़ा उनको समझ सकते हो आप, एज तो बहुत हो गई है, ठीक है, मगर वो बहुत ध्यान रखते थे, फिर भी पता नहीं भाई कभी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी टेंशनें आ जाती हैं कि हो जाता है ना। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने पता किस वजह से, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। यानी कि मैंने बोला था ना कि ये सिगरेट पीने से ब्लॉकेज होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिनको ब्लॉकेज या जिनको जरा भी दिल हार्ट की दिक्कत नहीं है, उनको भी एकदम ये हो सकती है, हो जाता है जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कम से कम 1 साल बहुत दबा के सिगरेट पी ली थी, उससे उनकी ये वाली ब्लॉकेज हुई थी। तो दोस्तों सब्जी का मैंने बता दिया कि वो सब्जी खाना ऐसे खाते हैं, फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, रूटीन बता दिया कि उठना टाइम से और सोना टाइम से, बस ये वाला, और बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो घर में कम रुकते हैं और अब टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं करते, चाहे आमदनी हो ना हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब बच्चे करने लगे, अब कोई वो नहीं है। तो वो ऐसी जगह नहीं रुकेंगे जहाँ पर दिल ना लगे, ज़रा सा भी अगर ऐसा हो रहा हो कि अकेला मतलब कुछ भी अजीब सा लग रहा हो, फटाफट वहाँ से हट जाएंगे, जहाँ मर्जी चाहे कहीं भी घर हो या बाहर हो, हमेशा 10 आदमियों में बैठना पसंद करेंगे, ऐसे करते हैं। ये रूटीन बता रही मैं इस वजह से, ठीक है उनका। और अब तीसरा दोस्तों, वो जो देसी दवाई करते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ है जो ये है अर्जुन की छाल, समझ गए। अर्जुन की छाल को वो दोस्तों 2-3 बार आधी आधी चम्मच या केवल मतलब के 2 बार तो लेते ही हैं, सुबह और शाम 1-1 चम्मच अर्जुन की छाल। आप भी अर्जुन के, ये दोस्तों ये उसके लिए नहीं है जो हार्ट वालों के लोगों को दिक्कत है, उसके लिए ही नहीं है ये, उसके लिए भी है जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत किसी भी उम्र में, बच्चा बड़ा बूढ़ा, किसी को भी हो सकती है और होती है, किसी को भी हो सकती है, समझ गए, पतला मोटा किसी को भी। तो अगर आपको कभी सांस फूला या कुछ ऐसा लग रहा हो कभी भी, मैं भी ले लेती हूँ दोस्तों हर किसी को। दोस्तों सांस जो फूलता है ये मत समझना कि वो किसी दमा की वजह से या किसी वजह से, ये एक एलर्जी भी हो सकती है और ये एक टेंशन स्ट्रेस हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा जैसे कभी भी सांस फूलता है ना और सांस रुकता है और घुटता है, जैसे मैं ही कई बार ऐसे दोस्तों ऐसे नहीं करती रहती हूँ, आपने नोट करा होगा मेरी वीडियो में, ज़्यादातर मैं ऐसे करती रहती हूँ, तो ये मेरा स्ट्रेस से है, समझ गए, क्योंकि मैं हर इंसान को स्ट्रेस है लाइफ में, समझ गए। कभी सोचो कि मैं आपके सामने बैठी हूँ तो शायद मैं, हर इंसान, हर दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान, हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि इसे ये कितना अच्छा है, ये कितनी बढ़िया होगा, ये इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनके घर के कितने अच्छे हैं, ये कैसी है, ये वो है, और इसको तो कोई टेंशन नहीं होगी, इसको तो कोई बात, यार बड़ी अच्छी है ये। दोस्तों होता है ऐसा, लगते हैं, मगर हर इंसान को दिक्कत है, किसी को कम किसी को ज़्यादा,
और जिनको नहीं है वो बड़े ही नसीब वाले हैं, जिनको टेंशन या डिप्रेशन या टेंशन मतलब स्ट्रेस नहीं है, लाइफ में किसी भी बात की फिक्र नहीं है, वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही नसीब वाले हैं। समझ गए दोस्तों, किसी को स्ट्रेस होता है और किसी को अगर स्ट्रेस नहीं दिया ऊपर वाले ने तो उनको बीमारी कोई ना कोई ऐसी दे देगा जो आजकल बड़ी चल रही है, कॉमन सभी पता ही है, बीपी और शुगर फलाना ढिगराना। तो समझ सकते हो ना, चाहे किसी भी तरह से परेशानी हो, इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है किसी ना किसी तरह से। समझ गए, तो मैं बता दूँ आपको, मैं बता रही थी यानी कि मैं ऐसी जो सभी के काम में आने वाली बातें, ये कह बातें बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैं ऐसे करके कई बार देखा होगा ना, मैं ऐसे करती रहती हूँ बार बार, है ना। तो दोस्तों ये मैंने डॉक्टर को दिखाया तब मैं कह रही हूँ कि मुझे भी जो डॉक्टर ने बताया वो स्ट्रेस की वजह से बताया मुझे कि आपका जो यहाँ सांस रुकता है ना, कई बार घुटता है सांस, है ना, ऐसे या सांस रुक रहा है, ये स्ट्रेस से होता है मेरा स्ट्रेस की वजह से है, समझ गए, या टेंशन की वजह से है। तो इसलिए कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं खाती रहती हूँ वो बाद में बता दूंगी अपना वाला भी। और ये ऐसी चीज़ दोस्तों, ये जो है ना, ये अर्जुन की छाल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसी लेनी है जो ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल, कोई मिलावट ना हो, यानी कि ये छाल भी आती है, आप अपने इसे घर में ला के मिक्सी में ग्राइंड करके पीस के पाउडर बनाकर किसी बड़े से डब्बे में भर के रख लो, अच्छा बिच्छा इंसान भी इसको खा सकता है, कभी भी खाई ये क्या काम करता है दोस्तों अर्जुन की छाल। ये अर्जुन की छाल सभी जानते होंगे ना दोस्तों, इस तरह से है ना, ये पेट को साफ रखती है दोस्तों। मैंने जो इसकी अजमाया, मैंने जो फील करा ना, मुझे जो महसूस हुआ, इससे गैस में जो आपके गुब्बारा सा बन रहा हो, पेट फुल्ला फुल्ला, या क्योंकि दोस्तों यानी कि हार्ट के लिए जब भी तो बोलते हैं ना दोस्तों कि जब जिसको ये कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो या जिसको हार्ट की दिक्कत है उसको हल्की हल्की चीज़ें खानी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, समझ के डाइजेशन सिस्टम को सही रखना चाहिए, गैस तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए उसको। तो ये मेन ये होता कि पेट साफ रहे, ठीक है, पेट साफ रहेगा दोस्तों तो हर चीज़ साफ क्योर रहेगी, पेट अंदर से मजा होया रहेगा। तो मैं कह रही हूँ कि पेट अगर साफ है तो 101% यानी कि बॉडी की 1000 बीमारी ख़त्म है, 1000 बीमारियों से बंदा दूर रहेगा अगर पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा और क्या कहें बंदे का, तो बीमारी क्यों होंगी, समझ गए ना। ये किस वजह से होती हैं, शुगर वुगर दुनिया भर की चीज़ें, ये सब अंदर की जो पेट में जो गड़बड़ कब्ज ये फलाना जो पेट है ना, उनकी वजह से जड़ बनती है, बीमारी की जड़ बनती है, समझ गए। तो दोस्तों ये इस तरह से आप इससे बारीक पाउडर, ये देखें, ठीक है, इससे बारीक पाउडर भी बना सकते हो, है ना। इसकी छाल लाओ और इसका बारीक पाउडर घर पे बना लो, बिल्कुल दिमाग को तसल्ली भी रहेगी कि भाई बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और वैसे दोस्तों बढ़िया दुकान से, अच्छी दुकान, अच्छी क्वालिटी, जैसे भाई समझते हैं ना कि बढ़िया अच्छी दुकान से लोगे तो कह के लोगे कि भाई बिल्कुल ऑर्गेनिक और अच्छी, बिल्कुल प्योर हो, हर चीज़ ही प्योर मांगनी चाहिए। तो अर्जुन की छाल दोस्तों पेट को साफ करती है, पेट की पेट की गैस ख़त्म करती है और पेट में गैस नहीं बनने देती, धुआं सा जो उठता है वो धुआं सा ख़त्म करती है, जो पेट में से धुआं उठता ऊपर को जाता है ना उसे ख़त्म करती है ये। तो ये इसकी जो छाल है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, अर्जुन की छाल ठीक है, अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही एक औषधि है और सभी जानते हैं, सभी पता है कि अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल में और ब्लॉकेज के लिए ही बनी होती है, समझ गए। तो इसे खा सकते हैं, इसको खा कर देखें, ठीक है। और दोस्तों हाँ, अब नंबर वन जो तीसरा वो बता रही मैं ब्लॉकेज के लिए, वो और क्या करते हैं वो, उस दिन से 3 साल हो गए, एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल बना रखी है उन्होंने, वो बाहर रखी, मैं लानी रहनी दिखा भी देती मैं आपको। उस बोतल में दोस्तों वो नींबू का रस या तो घर पे आप निकाल लो, आधा किलो नींबू ले आओ और इनको निचोड़ लो, ठीक है, वो वाला कर सकते हो। या फिर दोस्तों आजकल नींबू के रस की सब चीज़ ही क्या, जूस, सभी चीज़ का रस, मतलब कि जूस या रस सब चीज़ का मिल गया मार्केट में दोस्तों, हर चीज़ का, ठीक है। तो आजकल बाज़ार से भी एक नींबू की पूरी इतनी बड़ी बोतल, जितनी मर्जी आपको बड़ी लेनी है, एक पाव की, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की, जितनी भी लेनी उतनी आ जाती है, ठीक है। नींबू का रस और दोस्तों जैतून का सिरका, अभी उन्होंने जैतून का सिरका स्टार्ट करा है, पहले वो एप्पल वेनेगर जानते हो ना, एप्पल का सिरका एप्पल वेनेगर डालते थे बराबर मात्रा में, एप्पल का सिरका, सेब का सिरका, नींबू का रस, ठीक है, और जैसे कि आंवले का भी डाल लो, चाहे आंवले का भी डालते थे, ठीक है, और जामुन का भी दोस्तों, यानी कि 2-3 चीज़ों का, फिलहाल मैंने 3 चीज़ों का देखा है, ठीक है, नींबू का रस और सेब का सिरका और एक आधा कुछ और भी मिला लो या मत मिला लो, ये 2 चीज़ काफ़ी हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों चीज़ों को एक जगह मिला के
समझ गए, दोनों चीज़ों को, सेब का सिरका और नींबू का रस, या एक आध चीज़ तो जैसे तुम अपने हिसाब से देख लो, दो चीज़ें तो मेन ज़रूरी हैं, ठीक है, सिरका और नींबू का रस, ठीक है, एक जगह मिला के दोस्तों, वो इतना बड़ा ढक्कन है, वो दो बार दिन में पीते हैं वो, समझ गए। तो इस तरह से अपना वो ट्रीटमेंट खुद ही घर पे करते रहते हैं, और क्योंकि दोस्तों उनको ज़बरदस्त तीनों ब्लॉकेज 90%, समझ सकते हो 90% में बंदा एक मिनट में कुछ भी हो सकता है, वो ये करते हैं और दवाई भी खाते हैं, समझ गए। दवाई भी खाते हैं पर उन्होंने स्टंट नहीं डलवाया, पाइप नहीं डलवाया, ऑपरेशन नहीं करवा रहे, और 3 साल से अब तक अभी वो चल रहे हैं, समझ गए, चल रहे हैं, एज काफ़ी हो गई है, ठीक है। तो मैं ये मन क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, जानकारी थी, आपके साथ शेयर कर दूं, है ना। किसी ना किसी के तो काम आएगी, यानी कि दोस्तों ऐसे उनको आदत पड़ गई, और वो चिकन, पहले तो उन्होंने 1 साल तक तो कुछ भी मीट नहीं खाया, कोई भी चिकन खाया, ठीक है, अभी भी वो चिकन खाते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा सब्जी में, जो मैंने बता रही ना, इतनी सारी मिलवा सब्जी, उन्हीं में वो चिकन ऐसे ही डाल देते, कोई चीज़ भुनी नहीं खाते, उनको आदत पड़ गई है, ठीक है, ये ऐसे खाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाते हैं। और ऐसे मैंने रूटीन बता दी, सब्जी बता दी, सब्जी में कलौंजी भी डाल लेते हैं, दही भी डाल लेते हैं, हर चीज़ दोस्तों सब्जी में डलवा देते हैं, और मैं वो बना के रख देती हूँ, और वो पूरे दिन उस सब्जी को खाते हैं, ठीक है। तो ये इलाज करते हैं, ये ट्रीटमेंट वो खुद अपने आप अपना करते हैं, और उन्होंने, और वो ऑपरेशन से बच रहे हैं, डर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, समझ गए। बस अब वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं, हैं छुके भुने से, तले वले से, फ्राइड से, कभी बाई चांस खा लेते हैं उससे दूर रहते हैं, और बीड़ी सिगरेट से दूर रहते हैं, ठीक है, और भाई नींद फुल लेते हैं, है ना, और दवाई तो खा ही रहे हैं उसकी, उसके साथ में दोस्तों दवाई भी अगर खाते हैं ना, दवाई जितनी मर्जी खा लेते वो, समझ गए, अगर ये चीज़ें इतना परहेज ना करते ना, जैसे परहेज मैंने बताया आपको उनका खाने पीने का ये सारी चीज़ें, समझ गए, रूटीन से बिल्कुल करते हैं, रूटीन से ये अर्जुन की छाल का पाउडर रूटीन से लेते हैं, और वो जो मैंने बताया सिर के उसका जैतून का सिरका और नींबू का रस, वो रूटीन से लेते हैं, पाबंदी से, है ना, और ये जो सब्जी मैंने बताई इसमें सारी चीज़ें डाल के मैंने बता दिया, वो भी पाबंदी से ऐसे ही खाते हैं। तो अगर ये ना करते ना, तो दवाई मैं बताऊँ, आज मैं किसी, वो भी कोई जान पहचान का था कोई बंदा, ठीक है, उनकी एज भी इतनी है ना, 65-70, तो बता रहे थे, कोई रिलेटिव थे, आए हुए थे घर पे, तो पता क्या बता रहे थे, कह रहे मैडम जी मैं 30 गोली रोज की खाता हूँ। और दोस्तों वो बंदा भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, समझ गए, और भागा फिरता रहता है ऐसी, मतलब कि आप समझ सकते हो, बतेरी इनकी भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, और 3री मंजिल पर घर है, उतरता चढ़ता भी है ही। कह रहा मैडम मैं 30 गोली रोज की खाता हूँ, इतनी सारी बीमारियाँ हैं उसे, मानोगे। कहता पहले परहेज नहीं करता था, बस अब परहेज, जब इतनी सारी दवाइयाँ लग गई तो परहेज करता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों, समझ गए, ऐसे ऐसे लोग हैं, सब तरह की दुनिया है। मैंने अपने हस्बैंड का बता दिया ना कि ऐसे हैं, आज तक उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी, और ना ही मानते, वो कभी भी नहीं मानते, समझ गए। मजा ले तो उनसे कोई चीज़ मंगवा लो कि ये चीज़ ला दो, या ऐसे कर दो घर में, ये कर दो या वो कर दो, या ये करना या ये करना, नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ जो कर खुद कर लो, समझ गए। और मैंने बताया कि मैं बहुत टाइम मैंने अपने बुटीक चलाया है, 15-17 साल मैंने बहुत अच्छे लेवल पर बुटीक चलाया है, तो मैंने अच्छी इनकम की है माशाल्लाह, ऊपर वाले के शुक्र रहम करम से, अच्छा कमाया है, अच्छा जो भी है, ठीक है। तो ऐसी हमारे घर में वैसे वो ज़रूरत नहीं पड़ी एक दूसरे से मांगने की भी, जो भी है, ठीक है, तो अपने घर की वो है, पर्सनल है अगर आप हो, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, ये थी, मगर हम, है ना, मैंने अपने घर का मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बताया आपको, कि किसी को भी ऐसे अगर दिक्कत है, जो इतनी बड़ी दिक्कत ना हो किसी को भी, अगर ऐसा कुछ है तो सारा समझ गए होंगे आप, कुछ भी किसी ने कुछ भी अगर पूछना है पर्सनल, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें, और मुझे वहाँ पर मैसेज करें, मैसेज में पूछ सकते हो। बाकी अगर वैसे कुछ पूछना है तो यहीं कमेंट में आप पूछा करो, और आपके पास में लाइक का बटन है, उसको दबाए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मत जाना, सब्सक्राइबर का जो लाल वाला वो है उसको भी कर दो, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो, बेल घंटी जो होती वो भी दबा दो, ठीक है, उसके बाद ही जाना, ठीक है। दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, आप चाहे देखो मत देखो, सुनो या मत सुनो, मैं आप सभी के फ़ायदे के लिए अपनी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, अपनी जो भी मुझे लगता है कि फ़ायदे की चीज़ें हैं वो शेयर करती रहूँगी आपके साथ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कभी ना कभी तो मेरे साथ जुड़ोगे आप, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बातें सुनने का, और ये सारा ही जिसमें भी समझ में ना भी आएगा मैंने बता देना, अगर किसी की भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसके बाद वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट, ठीक है। तो वीडियो में सारा कुछ बता दूंगी, जिसके भी कमेंट होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्त
तो दोस्तों और भी एक दो वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर वीडियो को देखें, फ़ायदा उठाएं, और ठीक है फिर बताएं मुझे पॉजिटिव कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का